तो फाइनली दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री के मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म रावणा सुरा नो डाउट सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है और अपने पहले 3 दिन की कमाई से बजट की शानदार रिकवरी भी कर ली है। आज जानेंगे कि फिल्म कितनी कमाई अभी तक कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, फिल्म को पब्लिक से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, क्या बॉलीवुड को टक्कर दे पा रही है रावणा सुरा, रवि तेजा की कैसी फैन फॉलोइंग है पूरे भारत में, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुधीर वर्मा के डायरेक्शन में लगभग 50 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म रावणा सुरा तेलुगु मास किंग रवि तेजा ने लीड किया है, जिसमें आपको नेगेटिव साइड ऑफ रवि तेजा का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, मूवी का कंटेंट साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें आपको मसाला से भरपूर एक्शन जबरदस्त देखने को मिलेगा। बता दूं तो दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं मूवी को। लोगों को ये साइको मासी एक्शन बहुत पसंद आ रहा है रवि तेजा का, और पहले कभी ऐसा नेगेटिव लुक भी देखा नहीं था, जिसकी वजह से मूवी ने पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी 8 करोड़ की इंडिया से, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी डबल डिजिट के आंकड़े को पार करने में सफल रही है। दोस्तों, पब्लिक की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी काफी दमदार स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला है, लगभग 6 करोड़ का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से और पूरी दुनिया से लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन। बता दूं तो दोस्तों, हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस फिल्म ने अपनी जगह सिनेमाघर में बना लिया, जबकि नानी के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा ने साउथ बेल्ट में पहले ही कब्जा जमा रखा है, बावजूद इसके इसने काफी अच्छी पकड़ बना ली है। दोस्तों, सारे क्रिटिक्स को किनारे रखकर अपना बजट 50 करोड़ 3 दिन में ही लगभग कवर करने पर सफल होते दिख रही रावणा सुरा। बता दूं तो दोस्तों, रवि तेजा के फैंस रावणा सुरा को उनके करियर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बोल रहे हैं, जो अपने तीसरे दिन भी क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई अपने खाते में रखी थी, जो 30,000 टिकट बेचकर धमाकेदार एडवांस के साथ अपने तीसरे दिन में लगभग 7 करोड़ का बिग कलेक्शन किया, वहीं पूरी दुनिया से लगभग 10 करोड़ के आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड भी देखने को मिला, और पूरी दुनिया से लगभग 28 से 29 करोड़ के आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड करते नजर आ रही है अपने पहले 3 दिन के कमाई के मामले में। और सुपरहिट होने के लिए बस 50 करोड़ के बजट कवर करना है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस रिदम से मूवी बॉक्स ऑफिस में चल रही है, उसे देखकर लगता है कि अपने पहले 5 दिन के आंकड़े से कवर कर लेगी। वहीं ब्लॉकबस्टर हिट का ठप्पा लगाने के लिए मूवी को थोड़ा और सरवाइव करना तो पड़ेगा सिनेमाघरों में। दूसरा, मूवी को हिंदी बेल्ट में भी रिलीज करने की जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, तो देखो आगे और क्या क्या होता है। लेकिन यार, अगर आप रवि तेजा के सुपर फैन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताओ कि इनकी बेस्ट मूवी कौन सी लगी आपको। दूसरा, अगर आपने रावणा सुरा देख लिया तो मूवी आपको कैसी लगी है। एक सवाल और, क्या रावणा सुरा दशहरा फिल्म को टक्कर दे पाएगी? फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर देके जाना। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए, बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।